ये देखिए मैंने फ्रिज में से निकाली थी, अभी ठंडी है। अब इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अभी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है, ये आप देख ही सकते हैं। अब इसे हम गैस के ऊपर ऐसे ही मलाई को रखेंगे, ठीक है। अभी ये हमारी बिल्कुल अच्छे से पिघल जाएगी। ये देखिए हमारी जो मलाई है वो पिघलनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से अभी नहीं पिघली। ये देखिए ये हमारी मलाई पिघलनी शुरू हो गई है। ये अभी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है अभी और भी ज़्यादा चेंज हो चुका है। ये देखिए आपको घी भी दिखाई दे ही रहा होगा। ये देखिए जो गोल्ड गोल्ड है वो हमारा घी है, जो मलाई है वो साइड में से निकल जाएगी। ये देखिए हमारा देसी घी ऊपर आ चुका है। अब इसे हम पहले छान लेंगे, हम छन्नी की मदद से ऐसे छान लेंगे। देखिए ये अभी हमारा पूरी तरह से घी बना नहीं है, अभी हम इसे एक बार और गर्म करेंगे। ये देखिए हमारे घी के ऊपर अभी ये साइड में थोड़ा सा वाइट वाइट आ रहा है ना। अभी हमने एक बार बर्तन को साफ कर लिया है, अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अभी ये देखिए जैसे ये वाइट वाइट है ना, ये जो मलाई है ये भी हमारी अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए ये हमारा साइड में चला गया है ये वाइट वाइट, ठीक है। अब इसे हम साइड से ही निकाल सकते हैं ऐसे करके, आप थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए, ठीक है। बाकी छन्नी की मदद से निकल जाएगा। बिल्कुल साफ घी हो गया है हमारा, थोड़ा सा भी बीच में कुछ भी नहीं है। जितनी बारीक से बारीक आप छाननी से छानेंगे उतना ही घी आपका साफ हो जाएगा। ये देखिए हमने एक बार और 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया था इसे। अभी ये मलाई नहीं है, ये ठंडा हो जाए फिर हम इसके बाद हम इसे डिब्बे में डाल लेंगे, ठंडा होने के बाद ही डालेंगे। ये देखिए हमारा देसी घी बनकर तैयार है, अब इसे हम डब्बे में डाल लेंगे। तो आप देखिए हमारा घर का देसी घी बनकर तैयार है।